जिन्हें समाज को भी सम्मान देते हुए यहाँ पर पहली बार से देखा होगा तो उनको सम्मान किया महान हॉकी लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे साडे हर दिल अजीज नेता सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी, उन्हां नाल बैठी साडी मातृ शक्ति मंच पर, बाकी सारे सम्मानित लोग, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, वीआईपी आने वाले ते पिछू आवाज आई है कि दो ही मिनट, तो मैं सारे का नाम ही लाऊंगा। ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ, ਕਿਆ ਯੁਵਾ, ਕਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ। परेशानी 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और इस बार यूपी में हो रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? देखो, पहली बात तो ये भाजपा नहीं करा रही, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन लोगों में बहुत बड़ी परेशानी है और जो जो पिछले 7-8 साल में हुआ है, ये ठीक है भी कहीं हम भी गलतियाँ करते हैं, हमारी भी कहीं कमजोरी रहती है, लेकिन जब हमारे देश की, हमारे सबे मान की बात होती है तो मेरा ख्याल है हमें सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे देश की बात है, हमारे भाईचारे की बात है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हर भाईचारे के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम कभी भी अलग नहीं रह सकते, तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको इकट्ठे होके जो बीजेपी का एजेंडा है कि इस देश को बांटने का, इस देश के लोगों को बांटने का, उसको डिफीट करना है
और JNK का जो रुतबा है उसको दोबारा वहीं लेके बहाल कर। आपको क्या लगता है कि ये जुमला दिखाया जा रहा है? आज आपको प्रगट सर आए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हम यही कहेंगे क्योंकि जो खेल के शहनशाह रहे हैं इनकी मैदान में हाथी बोलती थी, ये नहीं बोलते थे, आज ये बोलने लगे पर हाथी बोलती थी, तो क्या कहेंगे आज ये भी आपके समर्थन में आए? हुनर बोलते हैं जी, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ वो आदमी खड़ा है जिसने कभी हिंदुस्तान को लीड किया है, मेरे साथ वो आदमी खड़ा है जिसने पूरा हिंदुस्तान गर्व करता था। अगर हमने भगत सिंह के बाद किसी को अपना हीरो माना है दिल की गहराइयों से, तो प्रगट सिंह उनमें से एक आदमी वो ये भी था, और हमने इनको दिल की गहराइयों से हीरो माना है। मैं समझता हूँ कि मेरा आज जो यहाँ पे इन्होंने आके मान बढ़ाया है, I will not let him down. और मैं वो काम करूंगा जो आज इन्होंने इशारा कर दिया, I will have the best of sports infrastructure in my constituency. टोनी जी, टोनी जी, टोनी जी, क्या